नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्तपंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के दमदार धावक और अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। कोरोना से ठीक होने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से ही हो गया था। मिल्खा सिंह ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वहीं निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थी। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव भी हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में हुआ। आज सरदार मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर मिली, बहुत बड़ा झटका खेल जगत को नहीं पूरे विश्व को, पूरे देश को मिला है। युवाओं के वो आइडियल थे, युवाओं ने, बहुत से युवाओं ने उनकी जब भाग मिल्खा भाग उनकी जिंदगी के ऊपर मूवी बनी जब आई, तो बहुत से युवाओं ने खेल को चुना, बहुत से युवाओं ने फिटनेस को चुना उनकी एक जिंदगी के आधार पर जो मूवी बनी। आज खेल जगत को और पूरे देश को बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं उनके परिवार को शोक प्रकट करता हूं। आज सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खेलों, खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया, साथ ही कहा कि फ्लाइंग सिख हमेशा भारतीयों के लिए उनके दिलों में जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। हमारे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत पद्मश्री मिल्खा सिंह वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दिनों उसके शारीरिक कष्ट के बाद वो शरीर त्याग दिया उन्होंने। बहुत ही एक उच्च कोटि के खिलाड़ी वो थे, जिनको फ्लाइंग सिख इस नाम से भी एक दर्जा दिया गया था। देश का खेलों में उन्होंने नाम ऊंचा किया, 5 बार गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है और वर्षों तक उनके बनाए हुए रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। आज इस अवसर पर मैं उनके परिवार को और उनके समर्थकों को और सब लोगों को जो उनको जानते हैं, जिनको ये पीड़ा हुई है, उन सबको मैं एक प्रकार से सांत्वना देना चाहता हूँ कि हमारे बीच से वो चले गए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ में शुक्रवार को अंतिम सांस ली। वहीं मिल्खा सिंह के निधन पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शोक व्यक्त किया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह युवाओं के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने ये भी कहा कि मिल्खा सिंह का निधन खेल जगत और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस आघात को सहने की शक्ति प्रदान करे। सुने क्या कहा ज्ञानचंद गुप्ता ने। पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाले फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। मिल्खा जी का जीवन हमारे युवाओं के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका निधन खेल जगत व देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिजनों को ये जो आघात है ये सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया और डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने मिल्खा सिंह के आवास का
दौरा किया और कहा कि देश को कई सम्मान दिलाने वाले व्यक्ति को मेरा सलाम है। मिल्खा सिंह के परिवार से उन्होंने मुलाकात की और उनके बच्चों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने हाल ही में अपनी मां को भी खो दिया था। आइकॉन, इंस्पिरेशन, चानन मनारा, देश ते दुनिया दे नौजवान पीढ़ी तो लैके मैं समझदा बुजुर्गों तक हर घर च उन्होंने चर्चा चलती सी। और एडी महान शख्सियत का, एडे महान इंसान का, जिन्होंने देश का और खास तौर पर पंजाबियों का नौ दुनिया भर च रोशन किया हो, और जिन्हां दी स्पोर्ट्स जगत नूं बहुत बड़ी देना, हिंदुस्तान दा वो मान सन, सिख कौम दा बहुत वड्डा मान सन, और सारी उम्र उन्हां दी स्पोर्ट्स नूं चिम्मा साहब सामने देख के और बहुत वड्डा एक प्रेरणा दा स्रोत सन। अज उन्हां दा चला जाना देश वास्ते, पंजाब वास्ते बहुत वड्डा घाटा। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ये मुलाकात रेल मंत्री के आवास पर हुई और इसी दौरान कई मुद्दों पर रेल मंत्री से चर्चा की। और वहीं यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा का एमआईएस पोर्टल का कार्य 25 जून तक पूरा होगा। अभी स्कूलों में एडमिशन जारी हैं, इसी के बाद स्पष्ट होगा कि सही स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि 4 लाख विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की जानकारी अभी अधूरी है, सही जानकारी 25 जून के बाद ही मिल पाएगी। उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के उस बयान को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में 1500 प्राथमिक स्कूल बंद हो गए हैं। स्पष्ट किया कि पहले यहां 25 से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन बाद में पुनर्विचार करके 10 से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसकी संख्या लगभग 500 है। इसके लिए एक निश्चित आवागत दबाव चाहिए उसके लिए, और वो हमने यहाँ टेस्ट किया, वो ठीक तरीके से मुरली में है, और उसको पैराग्लाइडिंग और दूसरी और टाइप की उसमें ग्लाइडिंग होती है, तो वो सारी की सारी शुरू करने जा रहे हैं। और हॉट एयर बैलून का भी हमारा विचार है वहाँ शुरू करने का, लेकिन उसकी परमिशन लेने के लिए अभी हमने कार्रवाई शुरू कर दी, तो जैसे ही परमिशन मिलेगी तो उसको भी वहाँ पर शुरू करेंगे, और निश्चित तौर से इससे पर्यटकों में बहुत बढ़ावा मिलेगा। और हरियाणा की वो बेटी जिसने अपने वेट लिफ्टिंग के बल पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया, लेकिन दुख होगा जानकर कि चैंपियन सुनीता बदहाली और तंगहाली की जिंदगी जीने के लिए आज के दौर में मजबूर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतने वाली इस बेटी को मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है, लेकिन उसके हौसले अभी भी बुलंद हैं। देखिए हरियाणा के रोहतक की इस बेटी की ये पूरी कहानी। भले ही खेलों को लेकर हरियाणा सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हो, लेकिन इन योजनाओं का लाभ खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हरियाणा सरकार की अनदेखी के कारण इंटरनेशनल जूनियर महिला पावर और स्ट्रेंथ वेटलिफ्टर गरीबी में जीने को मजबूर है। रोहतक जिले के गांव सिसिर खास की अंतर्राष्ट्रीय पावर और स्ट्रेंथ वेटलिफ्टर महिला खिलाड़ी सुनीता कश्यप गरीबी में जीने को मजबूर है, लेकिन उनके हौसले उतने ही मजबूत हैं। परिवार की आर्थिक माली हालत के बीच वे अपने खेल के दम पर मेडल जीत रही हैं। सुनीता कहाँ कहाँ खेले हो आप? सर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और लास्ट इवेंट इंटरनेशनल था मेरा। अच्छा, हाँ जी सर। तो अभी जो इंटरनेशनल खेला आपने कहाँ पे था, ये कौन सा? अभी ये बैंक ऑफ थाईलैंड था सर। कौन सा मेडल था? फर्स्ट मेडल था सर, गोल्ड मेडल था। हाँ जी सर। तो और उसके साथ क्या करते हो? स्टडी करती हूँ सर। अच्छा, और? और तो मम्मी के साथ मजदूरी करने जाती हूँ। क्या करते हैं मम्मी? यही रोटी वगैरह पकाने ब्याह शादी हो मैं। अच्छा, हाँ जी सर। गरीबी और तंगी के बीच पिता अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए खेल के साथ साथ उसे पढ़ा भी रहे हैं। यही नहीं,
अपनी बेटी के सपनों की उड़ान पूरी करने के लिए उसे कर्ज लेकर खेलों में आगे बढ़ाने की मदद कर रहे हैं। बेटी भी अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए गरीबी में लड़कर खेलों में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने में लगी हुई है। बस उसे इस बात का मलाल है कि इतने परिश्रम और मेडल लाने के बाद भी अभी तक सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग खेलों में दर्जनों मेडल जीते हैं। हाल ही में पिछला मेडल थाईलैंड के बैंकॉक में हुई प्रतियोगिता में, अब उसका सिलेक्शन यूरोपियन प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अभी उसकी फीस 1.5 लाख भी जमा नहीं हो पाई है। और जी करवाना पड़ेगा बच्चे का तो भविष्य हो जाए तो करना पड़े उसको बराबरी से। हाँ जी, ये सोच रहे थे जो और बच्चे करना पड़े तो लड़की तो पढ़ा है। हाँ। या तो कुछ कौन सी क्लास में पढ़ा रखी? या जी कौन सी पढ़ा है? बी एस पढ़ती है। तो सरकार ने कोई मदद की है आपकी अभी तक? अभी तो कोई ही नहीं। चले कहाँ कहाँ खेले ये? अभी तो अपना मजदूरी पे काम चला रहे हैं तो करना पड़ेगा हम। हाँ, लेकिन बच्चे को पढ़ाओगे खिलाओगे? गेम और खिलाओगे बाहर का। हाँ, वहीं अब हरियाणा की इस बेटी की सरकार से यही अपील है कि उसकी मदद की जाए ताकि वो अपने प्रदेश के साथ साथ इस देश का नाम भी रोशन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।